सरबत गुर संगता बड़पागे हो आवे हजात अमृत दियां बूंदा दे नाल रजता नहीं हुंदा जे दरगाह चो प्रवान होके मिल जान उन्हां दी पैमाइश उन्हां दा पैमाना अंदाजा जोड़ लाउणा भी बहुत मुश्किल है। छेवें सतगुरां दे आगमन पर्व की खुशी अंदर पवित्र यादां सतगुरु जी की पावन गोद का आनंद सारी प्रबंधक कमेटी का मैनेजमेंट का बहुत बड़ा अपराला है। लख लख इस समय दियां बधाइयां वर्णन नहीं तुहाडे इस उदम नूं कर सकते। चरना चलाओ आपां रिशना पवित्र करिए फतेह गजाओ प्यारिओ गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिधर नूं तको चढ़दी कला दे केसरी निशान झूलदे ने जां दरबार विच आके स्टेज दे मूहरे वेख्या छोटी उम्र दे पचंगियां नूं इक खुशियां दा सूरज चढ़िया पिया खुशियां दा। आ गल मैं क्यों कही भला शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह सचखंड हजूर साहब चले गए उन्होंने कलगी वाले पातशाह जिथों गुरगद्दी धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश करके सचखंड नूं प्याने करके वह जगह नूं तकिया हिरदे विचों भांबड़ निकले ते सिंघां नूं कहण लगे खालसा जी सिख कौम दा एडा वड्डा धाम इत्थे कोई सुंदर हरिमंदर नहीं बनिया। ध्यान सिंह डोगरे वर्गिया ने कह दिता है कहण लगे शेरे पंजाब जी महाराज लिख गए सी कि जिहड़ा इस धाम का नींह पत्थर रखूगा उहदा जग ते नाम निशान नहीं रहना। तां नहीं किसी ने न्यों पत्थर रखिया तां नहीं कोई बिल्डिंग हरिमंदर बनाया। महाराजा रणजीत सिंह कहण लगे सिखो ये तो कलगी वाले पातशाह आपां नूं पेपर पा के गए ने पेपर वो जिहड़े हजूर ने माता ते पिता देश दे लेखे ला दिते चारे जिगड़ दे टुकड़े ला दिते घर घाट अपना बर्बाद हथी करवा दिता उजड़िया देश मुड़के बहाल करता अपने चारे पुत मार के लखां दियां जवानियां बचा दित्तियां। ओ महाराज पेपर पा के गए ने लियाओ मैं रखदा नी पत्थर मेरा भावे जग ते नामो निशान रहे पर ना रहे मैनू कोई चीज की लोड़ नहीं मेरे सतगुरु के निशान झूलते रह। सिखी सिखी दे वारसो संभालो सिखी नूं अज साडी सिखी किहड़े पासे जांदी है बच्चे पै गए गुराहे नशियां दे समुंदरां दे विच लाउंदे ने तारियां बच्चों की बुद्धि समय ने करती भ्रष्ट रोज हालात बिगड़ते देखदे मेरे रंगले पंजाब दे इस पिंड विच पुत ने प्यो का कतल कर दिता है इस पिंड विच पुत ने मां का कतल कर दिता है बजुर्गों के कतल होने लग गए बुद्धियां भ्रष्ट हो गई। सिखी दे वारसो जे नगर के प्रबंधक एहो जे योग उपराले ना करन तां मेरा ख्याल असी सिख कहाउण दे काबल नहीं हाँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा गुरु प्यारियां दा जिन्होंने रंग लागत 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 है भाव भागत 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 है अपनी सिखी नूं संभालण वास्ते मेरी कौम दे हीरियां नूं मेरे वतनां दे राखियां नूं मेरे देश दे जुम्मेवारां नूं आ दस्तारे बख्शिश कीते ने ते कलगी वाले पातशाह दी सिखी दी आण ते शान बनाया। लो हुण इक कविता मैं तुहाडे नाल सांझी करनी है उह इस तरां दी है मर्द अगंबड़े कलगी वाले पातशाह छेवें सतगुरां ने अपने जीवन काल में चार जंगा लड़िया सतगुरां दे पोतरे गुरु कलगी वाले पातशाह दो जहान वाली मर्द अगंबड़े श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने 14 जंगा लड़िया। हजूर ने पहली जंग लड़ी है बगाणी की 12 दिन जंग हुई है जंग हुई ठंडी शामा दा होया बेला महाराज दे सिखां ने शहीदियां दित्तियां संगतों दास बैठी है सतगुरु कहिंदे सिखो दास जापदे हो की गल होगी सिखां ने कहा महाराज कह लगे अज सिखां दियां बहुत शहीदियां हो गई संगो शाह वर्गे जीत मल वर्गे तुहाडी भूआ दे पुत्तर राणा दे मौड़ बवाने शिंगार के सचखंड नूं प्याने करके शहीद हो गए। महाराज दुख इस गल का नहीं दुख इस गल का अज हरिचंद हडूरिए ने बारहवें दिन से बोली मारी है उन्हें कहा जे कलगी वाला मर्द है सूरमा है दलेर है बहादुर है तो सीधा होके टक्कर छाती तणके मेरे नाल आवे लोगों के पुत्र इन्हां दे विच क्यों मरवाउंदा है। महाराज आओ दे बोल साडे कोमल हिरदियां नूं छलनी छलनी करके सतगुरु कहिंदे सिखो गम ना करो जद कल आवेगी 13वें दिन ते जंग असी कर लांगे हरिचंद हडूरिए दे नाल। रात लंघी दिन चढ़ गया दूजा दिन आया फौजां आईयां ने दोनों पासों तों जंगी मैदान विच कहिंदे ने कलगी वाले पातशाह घोड़े ते होया सवार खिच्चियां घोड़े दियां बागां
घोड़ा जावे पहाड़ियां दे पत्थर पड़दा महाराज घोड़े तो उतरे जाके सेना बिच आया के जाके खड़ के पहाड़ी राजा दे फड़के भुजा राजे हरी चंदी कुटके छाती ना ला लिया वाह ए हरी चंदा तै किसे मां दे पुत ने अज सीधा मर्द दे नाल युद्ध मंगया डायरेक्ट मैं तेरा धन्यवाद करदा हरी चंद दस युद्ध अपना किवें होवे तेगां दे नाल होवे तलवारां दे नाल होवे तीरां दे नाल होवे ओ कहिंदा महाराज तेग दे नाल नहीं युद्ध होणा जे अज युद्ध होऊगा अपना तां अपना युद्ध होणा तीरां दे नाल होऊगा महाराज कहिंदे मैं बड़ा खुश हां हरी चंद इहदा कोई निजम बना लै ओ कहिंदा महाराज तुसीं निजम बनाओ ग्रंथा विच लिखे सारे राजा दे विचों राजा हरी चंद बड़ा निशानेबाज सी तीर कमान दे विच रणा दा मौड़ कहा गया उहनूं महाराज कहिंदे कोई बना अनुशासन कोई कानून तैयार कर वह कहिंदा जी आप विधान तैयार करो सतगुरु कहिंदे फिर असीं करदे आं तैयार चलती जंग विचों जिहड़ा जमीन ते डिग पिया वह ते बार नहीं करना जिन्हें भुजा खड़ियां कर लिया हार मन गया वह ते बार नहीं करना है ते अपनी फौज वल असी अपने सिखां वल मूह कर लिया वह ते वार नहीं करना है हरी चंद ऐ युद्ध होऊगा कहिंदा जी बिल्कुल ठीक है महाराज कहिंदे हुण ऐ दस साडे ते वार तू पहला करेंगा कि असी करिए कह लग्या महाराज मेरे ते वार पहला तुसी करो शहनशाह खुश हो गए फिर फड़ी ओदी पूजा कुटके ला लिया छाती ना कहिंदे ओए हरी चंदा तैं किसे मां दे पुत ने मां दीआं बत्ती धारां चुंग के अज मां दा दुध सफली करता मेरे नाल युद्ध सिद्धे मत्थे मंगिया मैं रब अगे अरदास करदा हरी चंदा तेरी जित होवे मैं हार होवां मैं महाराज अगे ए प्रण करदा तू जित जावे मैं तेरी ऐस नीति तो खुश होके तैनूं वार करन दा पहला मौका दिंदा वार इक नहीं दो नहीं वार ते तिन करने है जे तेरे तीन वार मैं बोच ले जा फेल हो गए मैं तेरे ते एक वार करूं मेरा बार एक फेल हो गया तैं बार फेल तीन करने हैं तेरे तीन मेरा एक तेरे तीन नए वार होणगे वो कहिंदा महाराज तां जमा बच्चिया बड़ी गल करते हैं मैं एडा निशानेबाज धरती की कण ते मेरे बाण की कोई ताव नहीं झलण वाला मैनू तीन वार करना ते पहला पख देता मैं इन्हां नूं छड्डूंगा भला जे फुरती वध है उम्र छोटी है लचकदा शरीर है जे मेरे तीन बार पहुंच गए मैथों एक नहीं पहुंचा जाऊगा वो कहिंदा महाराज आए ठीक है महाराज कहिंदे फिर कर वार हुणे कढ़िया पत्थे चो तीर सतगुरु ते छड्या पहला बाण हजूर दे दस्तारे दे कोल दी लंघ गया फेल हो गया महाराज कहिंदे हरी चंद पहला बाण तेरा फेल हो गया कर दूजा बार उन्हें दूजा बार किया सतगुरां दे घोड़े दी पक्खी विच जा कढ़िया घोड़ा फटड़ हो गया कलगी वाले जमीन ते आ गए हरी चंद कहिंदा महाराज मैं भी थले आ जा महाराज कहिंदे हो थले अमो सामने हो गए महाराज कहिंदे तेरे दो बार फेल हो गए तीजा बार है सो समझ के करी जद उन्हें गड्डे पैर तनी छाती तीजा बाण छड़िया हजूर दे पेटी दे कोल दी लंघ गया थोड़ा जा जख्म होया है कोई बहुता नुकसान ना होया सतगुरां दा खून उबलिया जब बाण लग गया तब रोह जाग गया कहिंदे ओए हरी चंद तेरा हंकार टुट गया तेरे तिने बाण फेल हो गए हुण वार साडा आउंदा तेरे वल एक गल सोच लै आ रंगली दुनिया दे दर्शन कर लै आ जिहड़ा मेरा बाण है ये मेरा बाण नहीं है ये अकाल पुरख दा वार है कहिंदे भीष्म दे बाण फेल हो जाण काल भगवान दे निशाने फेल हो जाण ओ तेरी की पावर है राजा तू साडा वार रोक दे मैं हो तैयार सतगुरु ने कढ़िया पत्थे चो तीर चाड़िया चिल्ले ते लग्गिया रणजीत नगारे ते बजण चोटां रण गई भाखा ਭਈ ਕਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜੋ ਪਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਹੋ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾੜਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂ ਜੂ ਤੋ ਧਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜਿਆ ਖੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੰਸ ਬਾਣ ਦੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਜੜਾਕੇ ਜਲੜ 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 ਪਈ ਹੋਵੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਮੌਤ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੇ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਅਖੀਰ ਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ ਤੇ ਕੈਮ ਮਸਾਲ ਉਧਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਉਧਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਰਖ ਅਕਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਸੰਭਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤੀਰ ਚਾੜਿਆ ਧਨ ਛੱਤੇ ਫਿਰ ਠਾ ਕੇ ਪਰਖ ਅਕਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਸੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਸੀ ਕਾਲਾ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ
हरी चंदनो पाड़ के नाले पाड़ कवज विशाल ओदा उठ गया भार वजूद चो उठ गया भार वजूद चो ओ तड़फे मंदे हाल हो पै गईयां बराड़ा भाजड़ा हो पै गईयां बराड़ा भाजड़ा ऐसा देखा जंग कमाल हो पै गईयां बराड़ा भाजड़ा जंग कमाल संगल सदा गुलामी दे तोर दिंदे जड़ी कौम विच मर्द दलेर हुंदे कौन पुछदा कामा ते कुत्तियां नू बंद पिंजरे बाजा शेर हुंदे पत्थर पैंदे ने उना बेरियां नू जड़ी बेरी दे मिठड़े बेर हुंदे एदा कौम है सरलथ योधियां दी सर लग जे सिदक नहीं जान दिता जिनू मिले सी मिले नसंग हो गए बैरी ताई भुलेखा नहीं खाण दिता नदियां खून दियां लगियां खालसे ते बख्श सतगुरां ने ऐसा तान दिता गरीब नवाज दी जित होई है राजा हरिचंद जमीन ते पिया है लगे राजा दी सेना भजन सतगुरु दे सिखां ने सार सार खंडे धूले महाराज कहंदे खालसा जी सिखो पिछे दी वार करना योधे दा सूरमे दा बहादुर दा कम नहीं है ये पहली जंग भगाणी दी जंग सतगुरु दी जित होई है ते उत्थे पौंटा साहिब दी धरती ते वड्डे साहिबजादे साहिबजादा अजीत सिंह जी दा अवतार होया सारी संगत तों मैं अपने समय दी भुल बख्शाउणा है चंद मिनटा तुहाडे प्यार विच वध लागे होण क्योंकि दस क मिनट का समय जे मेरे को साज होंगे पांच मिनट मैं अलंकार के ला देंदा तीन क मिनट की साड़ी कमीशन की कविता होंगी है सत क मिनट की प्रचार की सट पैनी तो जरूरी है प्यारे अखीरला समय कहिंदे ने सियाणे कहिंदे अखीरला क्यारा ज्यादा भर जाता है जा जमा ही खाली रह जाता है सतगुरु के प्यार वाले हो मैं गुरु महाराज के प्यारे गुरसिख साडे कथावाचक साहब महान विद्वान हेड ग्रंथी साहब भाई हाकम सिंह जी होना तो अपने समय की भुल बखशाउणा है सारी गुरु की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद दानी गुरमुखां दा मैं नाम नहीं वर्णन कर सकता मेथों पिछे चढ़ती कला वाले बड़े बहादुर वीर बहादुर जत्थे बैठे ने उन्होंने आप जी विचार सरवण करो सरबत संगत का धन्यवाद राय सिंह लखे के जत्थे नूं होईआं तमाम भुल्लां बख्शो जी अपने बनाओ चरणा चलाओ गज के आखो प्यारे वाहिगुरु जी का खालसा।